नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले में फर्जी आरटीओ और खनन अधिकारी बनकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने और उनके साथ मारपीट करने वाले 3 युवकों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस गैंग का मास्टरमाइंड फरार हो जाने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके पास से बाइक, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों काफी सात्विक किस्म के व्यक्ति थे। ये आए दिन पूरे जिले में किसी भी थाना क्षेत्र के सड़क के किनारे खड़े होकर कभी आरटीओ और कभी खनन अधिकारी बनकर वाहन और ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते थे। रुपया न देने पर ये ट्रक चालकों से मारपीट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इसकी सूचना जब अधिकारी को मिली तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई दिनों तक इस गैंग की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नगर के बवाली मोड़ चौराहे से खनन अधिकारी बनकर ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस गैंग का मास्टरमाइंड फरार हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 बाइक, 6,000 नकदी और 2 मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस गैंग के फरार मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। देखिए, कुछ दिनों से हम लोगों को इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी खनन अधिकारी बन के आरटीओ बन करके ये ट्रकों को रोकते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। ये इस पर हमारी टीम लगी हुई थी। कल सुबह ये सूचना मिली कि कुछ लोग ऐसा बवाली मोड़ के पास कर रहे हैं। एक स्विफ्ट गाड़ी भी लगी है, 4-5 लड़के हैं जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं या ट्रकों को रुकवा करके कहते हैं कि हम आरटीओ खनन अधिकारी हैं, उससे पैसा लेने तो तक हमारी टीम गई, जाकर के इन लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जो मास्टरमाइंड लालू यादव है, स्विफ्ट गाड़ी से वो भगा हुआ है, उसके लिए रेड की जा रही है। हमारी एक टीम रवाना है, जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। ये उसी के टीम के ये 3 सक्रिय मेंबर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो जो ड्राइवर हैं जिनसे इन लोगों ने पैसा लिया है, किसी से 10,000, किसी से 6,000, वो आपके सामने हैं, वो आपके सामने बयान दे रहे हैं। इनको समुचित धाराओं में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।